तो वेलकम बैक दोस्तों तो मैं आपका एक नया दोस्त आपके साथ जुड़ रहा हूं इन योर क्लास ट्वेल्थ जर्नी क्योंकि आखिर वो पल आ चुका है जहां पे आप पहुंच चुके हैं फाइनली क्लास ट्वेल्थ में तो मैं आपको करने जाऊंगा इस पूरे चैनल में एंटायर सिलेबस ऑफ योर योर क्लास स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट चैप्टर तो बने रहेगा हमारी पूरी जर्नी के साथ हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल का नाम है पी अड्डा तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैट दैट इज इज योर योर फर्स्ट चैप्टर एंड चलिए बच्चों पहले हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है आपके पास स्टडी ऑफ चार्ज ये पूरी एक आपके एक आपके एंटायर पास हम कह सकते हैं फिजिक्स में एक बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें हम बात करते हैं बच्चों स्टडी ऑफ चार्ज कैसे हम किसी भी चार्जेस की स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस अब यही पूरी एक जो ब्रांच है फिजिक्स की यही डिवाइडेड है आपकी फर्दर क्लासिफाइड है आपकी तीन तरीके से जिसमें है जिसमें आपके पास जो पहली ब्रांच है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स जिसमें जो पहली ब्रांच है जो कि हमारा क्लास ट्वेल्थ का सबसे फर्स्ट चैप्टर है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स विच इज दस्ट ब्रांच एक ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रो की तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स दिस इज योर क्लास ट्वेल्थ यूनिट फर्स्ट और सेकेंड ब्रांच है इसमें मैग्नेटिज्म सेकेंड ब्रांच हम जो पढ़ेंगे दैट इज योर मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टिक का मतलब का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर आपके पास रुकी है तो यहाँ पे हम बात करते हैं चार्जेस की इलेक्ट्रो वर्ड आया है आपका बच्चों बेसिकली इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्या इसको सिंपली कह सकते हैं एक चार्ज से तो इसका मतलब है हम उस चीज की स्टडी करते हैं यहाँ पे या ऐसे चार्जेस की स्टडी करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स जो की चार्ज है आपके रेस्ट में है तो यानी दिस इज नथिंग बट दी स्टडी ऑफ ऑफ चार्जेस चार्जेस एट एट रेस्ट रेस्ट यानी रुके हुए चार्ज की स्टडी कहना करना ही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक्स जबकि हाँ अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है अगर आपके पास कोई चार्ज मूविंग है अगर मूविंग चार्ज है चार्ज इसमें क्या करता है आपका रेस्ट में नहीं यानी मूविंग चार्ज है इसके पास चार्ज इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड विथ कॉन्स्टेंट विथ कॉन्स्टेंट स्पीड तो ऐसी ब्रांच की अगर हम स्टडी करते हैं तो दट कम्स अंडर योर मैग्नेटिज्म इसमें हम हालांकि आपके मैग्नेट्स की बात करेंगे क्या कैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है किसी मैग्नेट में जो हल्का बहुत आपने क्लास ट्वेल्थ आपने क्लास और क्लास टेंथ में पढ़ाया ना तो हमने यहाँ पे काफी डिटेल वर्जन पढ़ना है इसी का मैग्नेटिजम का दिस इज योर टू पॉइंट ओ वर्जन ऑफ योर क्लास टेंथ तो वहां अपने सिंपल बेसिक बेसिक कुछ मैग्निक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हल्का बहुत आपने बार मैगनेट के बारे में पढ़ाया और बारे में पढ़ाए सेम हम वो सब चीजें हम यहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं इन योर क्लास ट्वेल्थ सेलेबस एंड विथ योर डिटेल पोर्शन हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे इस सब चीजों को तो मैग्नेटिज्म हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो कि है आपकी स्टडी चार्ज इन मूविंग वैन चार्ज इस मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड क्योंकि एक अगर कोई चार्ज है अगर वो मूव करता है किसी स्पीड से तो अपने आसपास ऐसा बोला जाता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसे कि एक बार मैग्नेट शो करता है वहीं अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो ये बात करते हैं इसमें हम डील करते हैं चार्जिस एट्रेस्ट और जिस तरीके से इसमें हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इसी में हम बात करते हैं आपकी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की घबराइए मत ये सब चीज़ें हम आपकी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं जब हम इस चैप्टर के डीप में हम जाएंगे तो अभी आपके पास सिर्फ आपके पास एक टर्मिनोलॉजी की तरह उसको समझ लें कि एक ऐसी चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज ऑर मैग्नेटिक फील्ड यानी एक रीजन है ऐसा जो कि मैग्नेट के आसपास क्रिएट होता है यानी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज के आसपास अगर कोई रीजन क्रिएट होता है दैट इज़ नोन एज़ नेर इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा है हम बात करेंगे आपकी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स तो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइनली जब एग्जिस्ट करते हैं तो एक वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिक वेव्स हैं जैसे एक्स रे गावा रे अल्फा रे बीटा रे जो भी एंडस ऑन जितने भी आपके पास जो रेज है सब के सब बच्चों आपके पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है जिसमें क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं जिस वेव में और डायरेक्शन एनी प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो होता है आपके पास परपेंडिकुलर होता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड सपोज अगर हमने कहा कि अगर कोई वेव ऐसे मूव कर रही है दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ योर वेव तो इसके परपेंडिकुलर होते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो हालांकि इस बारे को इस चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे आपके एक चैप्टर एंटायर चैप्टर ऑफ योर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स तो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स तो मैग्नेटिज्म और तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव तो इस तरीके से हमने क्लास ट्वेल्थ की अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और ये जो तीनों चैप्टर्स हैं दिस कम्स अंडर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो अगर मैं आपको डिटेल ब्रू प्रिंट अगर मैं क्लास ट्वेल्थ का अगर मैं आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इसके बाद हम करेंगे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी देन कम्स योर मैग्नेटिज्म जिसमें हम पढ़ेंगे एंटायर अबाउट योर मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज कैसे एक आपके पास करंट कैरिंग वायर ऐसा मैग्नेट बिहेव करता है वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे हिंदी और चैप्टर मैग्नेटिज्म सिमिलरली उसके बाद फिर एक चैप्टर और आएगा इसी के अंदर जिसको इसी से रिलेटेड दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स उसको नहीं सॉरी एक और है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज सर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग करंट वही करंट जो आपके नॉर्मली होम अप्लाइंसेज में या होम सप्लाईज में आपके पास आता है दैट इज इन ए सर ऑल्टनेटिंग करंट और देन अगेन उसके बाद हम फिर अगली यूनिट पर चलेंगे दैट इज सर इलेक्ट्रो वेव्स तो ये है आपके पास ब्लू प्रिंट ऑफ योर क्लास ट्वेल्थ तो आज हम करने जा रहे हैं जिसमें है आपका फेरी फर्स्ट पोर्शन दैट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स करते हैं फिर अपने स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट की यानी फर्स्ट चैप्टर की क्लास ट्वेल्थ में दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स जो हमने आपको डिफाइन किया द ब्रांच द ब्रांच विच डील्स विथ विच डील्स विद द स्टडी विथ स्टडी ऑफ पे पे रेस्ट होना बहुत जरूरी है यहां पे इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम बच्चों पहले अपने चार्ज की आखिर ये चार्ज की नाम की बला क्या चीज है तो चार्ज तो चार्ज की अगर हम बात करें तो अगर आपने देखा होगा कई बार आपको को वाइल कॉम्बिंग वाइल कॉम्बिंग या हेड्स जब आपने बालों को बनाते हैं या अभी कॉम्ब से अपने बालों को सही करते हैं तो उस केस में अगर आपने कई बार आपने महसूस किया हो कि आपको एक हल्की सी आवाज़ आती है चट चट दैट इज नोन एस चट चट आवाज दैट इज़ ओनली ड्यू टू चार्ज क्योंकि क्या हुए हैं आपके बेसिकली चार्जेस कुछ तो ऐसा डेवलप हुआ है ड्यूटी ड्यू टू योर कॉम एंड योर हेड्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हुआ यानी उसके कारण कुछ तो ऐसा डेवलप हुआ उन दोनों के बीच के मीडियम में यानी उन दोनों के इंटरफेस में जिसके कारण वो उसने प्रोड्यूस करी आपकी साउंड सिमिलरली अगर आप अपना हैंड अगर आप टी वी के आगे या कोई ऐसी लाइट के आगे कर आप प्लेस करते हैं तो आपने देखा होगा आपके हेयर्स जो होते हैं नॉर्मली वो क्या हो जाते हैं आपके सब अट्रैक्टिव आते जाते हैं टुवर्ड्स तो योर आपके पास स्क्रीन स्क्रीन की तरफ को आपको अट्रैक्ट हो जाते हैं यानी खड़े हो जाते हैं आपके हेयर्स दैट इज ड्यू टू अट्रैक्शन अट्रैक्शन ऑफ योर हेयर्स बाय द स्क्रीन तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है आपके पास चार्जेस डेवलप हुए हैं तो ये तो आपने बेसिक डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है चार्जेस की चार्ज कैसे डेवलप होते हैं क्या होते हैं वहां पे यहाँ पे हमने वो फर्दर उस डिटेल एक्सप्लेनेशन पे हमने नहीं जाना है चार्जेस की हमने यहाँ पे जो बेसिक है हमने कुछ और तरीके का हमने यहाँ पे चीज़ देखनी है चार्जेस की तो देखिए पहले हम इसकी बात करते हैं चार्जेस में इसके रिप्रेजेंटेशन की चार्जेस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं विथ योर स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस इज द सिंपल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज बात करते हैं इसकी यूनिट की तो यूनिट का नाम है कुलम तो कुलम ने इसके का नाम दिया कुलम साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम से पढ़ गया क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि पहले डिस्कवरी करी हो चार्जेस की तो उन्हीं के नाम से पढ़ा है इनकी यूनिट कुलम और कुलम को लिखते हैं सी ओ एल ओ यू एम बी सी ओ एल यू एम बी फर्दर अगर हम बात करें की से आप पढ़ते हैं कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं फर्स्ट इज सेकेंड इज योर नेगेटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज और आपने यही चीज भी पढ़ रखा है ऑलरेडी कि अगर दोनों चार्ज अगर प्लस प्लस है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो इन दोनों में आपस में क्या होती है दुश्मनी होती है या दोस्ती होती है तो ऑब्वियसली होती है इनमें दुश्मनी यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें रिपल्सिव फोर्स होता है अगर सेम नेचर के हैं लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं आपके पास रिपल इच इचर एंड डिसलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट इट इचर ये आपने तो बचपन से कहते हुए आपने ले लाइन सुनी हुई आई हैं तो यहां पे भी वही हमने देखना है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें होगी दुश्मनी अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो इसमें होगी आपकी मोहब्बत तो इस केस में होगा आपके पास रिपल्शन इस केस में हम कहेंगे दिस इज योर रिपल्शन एंड दिस इज योर अट्रैक्शन दिस इज योर दुश्मनी एंड दिस इज योर दोस्ती तो यहाँ पे होगी मोहब्बत या इश्क कह सकते हैं यहाँ पे हम कहेंगे रिपल्शन सेम जैसे हम ह्यूमंस के कारण होता है पॉजिटिव नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करता है ठीक है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं हम इसमें बच्चों चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आखिर कितनी हो सकती है चार्ज की तो यह हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो हमने ये देखा है कि आपको ये पता है कि सबसे छोटा पार्टिकल जो अभी तक डिस्कवर हुआ है हमारे लिए दैट इज और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो हम ये कह सकते हैं कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में होगा या प्रोटॉन में होगा वही होगा आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की यूनिट तो हम ये मानते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है दैट इज प्रेजेंट इन योर सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है यही होता है सबसे छोटा चार्ज इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है इन योर एक्चुअल लाइफ तो अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की तो हम कहेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज योर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड होता है लगभग वन पॉइंट सिक्स टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कोलम तो कितनी छोटी क्वांटिटी है देखिएगा आप चार्ज की तो वन पॉइंट सिक्स टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कोलम ये इसका मैग्नीट्यूड है इस चार्ज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का ये डाटा अगर आपको याद हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें हालांकि एक चीज़ और है कि आपके पास एक नई डिस्कवरी करी है साइंटिस्ट ने कि इन्होंने बोला है कि क्वार्क नाम की एक नई डिस्कवरी हुई है इन्होंने ये बोला है कि जो क्वार्क है जो क्वार्क्स हैं को कहते हैं इसमें बोला गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी ये है चार्ज की जिसमें कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज का वन थर्ड होता है क्वार्क इज नथिंग बट दी वन थर्ड ऑफ योर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लेकिन हालांकि हम इसको अभी तक प्रैक्टिकल यूज़ में इसको अप्रूवल नहीं दी गई है बाय योर फिजिशियंस यानी हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं फिजिक्स के द्वारा इसको अभी तक अप्रूवल नहीं दी गई है क्वार्स की तो क्वार्स की सिर्फ इसकी एक हल्की सी एक डिस्कवरी करी है साइंटिस्ट ने हालांकि तो इसके बारे में हम ज़्यादा हमें रिसर्च नहीं मिल पाई है ज़्यादा इसके बाद कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास क्वार्क के तो इसलिए हम जो लाइमलाइट में लाएंगे इंडिया और एंटायर फिजिक्स जो भी हम आपके स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं दैट इज दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ही हम मानते हैं आपके स्मॉलेस्ट यूनिट ना कि क्वार्क को कि अभी तक हमने ज़्यादा फर्दर डिटेल में इसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन इस क्वार्क को रिलेटेड हमने नहीं करी है तो अगर आपने फ्रॉम दी योर क्लास ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा यही uh, इसको टर्म्ड मानेंगे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ओनली दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टेन टू द पॉवर माइनस नाइनटीन कोलम तो प्लस माइनस अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कह देंगे अगर पॉजिटिव है तो प्रोटोन इन द केस ऑफ प्रोटॉन दैट वुड बी इक्वल टू प्लस प्लस वन पॉइंट सिक्स टेन टू दि पॉवर माइनस नाइनटीन कोलम तो दिस इज योर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी कुछ बेसिक से बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अबाउट योर चार्जेस तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हेडिंग डालिए तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास एडिटिव नेचर एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस कि कोई भी अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनको आप कैसे समअप करेंगे यानी उनका टोटल नेट सम कैसे निकालेंगे तो बेसिकली अगर मैंने कहा कि सपोज आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपके पास खूब सारे चार्जेस रखे हुए हैं सपोज हमने कहा जिसमें आपके पास प्लस वन कुलम प्लस टू कुलम माइनस थ्री प्लस फाइव कुलम कुलम इज योर यूनिट ऑफ दी चार्ज सो कुलम को सी से डिनोट करते हैं हम आपके कैपिटल सी से तो अगर हम पूछें कि इस पूरे एंटायर आइसोलेटेड बॉडी जो है आपके पास इसमें एंटायर चार्ज कितना है तो अगर आपने क्यू नेट निकालना है क्यू नेट यानी टोटल समीशन ऑफ योर चार्ज तो आप सिंपली क्या करेंगे इन सभी चार्जेस को क्या कर लेंगे सिंपली एड कर लेंगे यानी वन प्लस फाइव प्लस थ्री लेकिन प्लस ऑफ माइनस थ्री क्योंकि ये आपके पास चार्ज क्या है नेगेटिव है अगर आप सिंपली इनको ऐड करते हैं तो पाँच और एक छः छः और दो आठ आठ में से तीन गया ऑब्वियसली आपके पास फाइव कूलम तो आपके पास क्यू नेट जो चार्ज है इस बॉडी में जो क्यू नेट जो चार्ज है हम कहेंगे दैट इज योर फाइव कूलम तो ये हमें सिखाता है एडिटिव नेचर की चार्जेस को हम क्या करते हैं ओनली हम इनका करते हैं सम ना कि इनका वेक्टर सम तो चार्ज इसे और वेक्टर क्वांटिटी तो सिंपली अगर हमें क्यू नेट निकालना है तो सिंपली हम क्या करते हैं इसमें क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री अप टू एनसो वन क्यू एन

सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस तो दिस इज योर फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ को प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्जेस की दैट इज योर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है दैट इज योर 1.6 पॉइंट सिक्स टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कुलम ये होती है आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या तो हम कहेंगे आपके पास चार्ज आपके पास इतना है या इसका टू टाइम्स है या इसका थ्री टाइम्स है या इसका फोर टाइम्स है या नहीं है सिंपली तो इसका मतलब है कभी भी चार्ज जो होगा हमेशा इसके इंट्रिकल मल्टीपल्स का ही होगा कहने का मतलब है या तो आप आज आपके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होगा या आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा मतलब कभी भी आधा चार्ज पॉसिबल नहीं है मतलब आधा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी बॉडी को दे रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है सपोज अगर हम कह रहे हैं आपके पास या तो अगर मैंने कहा आपके पास दिस इज योर बॉडी अगर हम कह रहे हैं कि अगर मैं इसको चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं सपोज दिस इज योर न्यूट्रल बॉडी अगर मैं इसको चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं या तो मैं करूंगा वन पॉइंट सिक्स टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम या इसका टू टाइम्स करूंगा या इसका थ्री टाइम्स करूंगा नहीं कर सकता या तो करूंगा, पूरा करूंगा, या तो करूंगा, नहीं, करूंगा। नहीं, नहीं कहूं मतलब मैं मैंने इसको साढ़े चार कूलम चार्ज दिया तो यह कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 4.5 पॉइंट फाइव कुलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन ट्रांसफरिंग टू इट तो इसका मतलब है यह बोलता है दिस इज दी

अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट टू फोर अपॉइंट टू कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे एन की तो दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इसको अगर मैं आपको लिखवाऊं तो इसको हम लिख सकते हैं इट स्टेट सेट टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज हैविंग अ डिस्क्रीट वैल्यू तो हम लिख सकते हैं द टोटल टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी ऑन अ बॉडी ऑलवेज हैव डिस्क्रीड वैल्यू इसका रीजन ये है इसका रीजन भी अगर आप लिख सकें तो इसका रीजन आप ये लिख सकते हैं बिकॉज ओनली इंट्रीगल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं इसका रीजन बिकॉज ओनली इंट्रीगल पार्ट इंट्रीगल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरेबल इज ट्रांसफर्ड इज ट्रांसफर्ड वन टू अनदर बॉडी क्योंकि एक से अगर हम दूसरी बॉडी का अगर चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमेशा हम इंटीरियर वैल्यू का ही चार्ज ही हम कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको मैं कर दूसरे टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं फॉर एक्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैंने सपोज आपसे कहा कि आपके पास दो बॉडीज़ हैं सपोज़ दीज आर न्यूट्रल न्यूट्रल का मतलब है अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब है उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसमें नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद रहेंगे फॉर एग्जांपल एटम की अगर हम बात करें तो एटम इज़ योर न्यूट्रल क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके पास प्रोटॉन्स भी होते हैं तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही कि नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि उसमें जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ आपके पास नेगेटिव चार्ज भी उसमें मौजूद है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि सपोज मैंने इस बॉडी से अगर इस बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें मैंने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको फि फिफ्टी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराया है फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू योर सेकेंड बॉडी तो फर्स्ट बॉडी में अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरबल हुए हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट बॉडी पे जो चार्ज आएगा दैट वुड बी योर प्लस 50। क्योंकि तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई 50 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो नेट में आपके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए हैं 50। तो दिस शोज दैट योर नेट में 50 पॉजिटिव चार्ज आपके पास एक्स्ट्रा हैं ठीक है बच्चों और वहीं अगर मैं सेकंड बॉडी की बात करूं तो अभी तक पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी जब इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स यानी 50 नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं तो इसमें जो चार्ज होगा दैट इज योर माइनस फिफ्टी तो इसमें जो चार्ज होगा दैट इज योर माइनस फिफ्टी एंड दिस इज योर प्लस फिफ्टी तो या तो आपके पास प्लस फिफ्टी होंगे या माइनस फिफ्टी होंगी ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि मैंने आपके पास 3.5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें से चार इलेक्ट्रॉन निकाले और यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दिए 3.5 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस थ्री और यहाँ पे हो गया प्लस टाइम थ्री टाइम्स ऑफ ई तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है जबकि ये पॉसिबिलिटी आपकी अलाउड है तो दिस इज योर कॉमन कॉन्सेप्ट अबाउट योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस दिस वॉज योर स्टेटमेंट एंड दिस इज योर रीजन आप बनते हैं अपने आगे अपनी अगली थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ को योर थर्ड प्रॉपर्टी इज अबाउट योर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात करूं सपोज अगर हमें कह रहे हैं आपसे बच्चों सपोज एक सिस्टम है बच्चों आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें आपके पास थ्री बॉडीज हैं सपोज तीन बॉडीज रखी है आपने दिस इज योर फर्स्ट बॉडी दिस इज योर सेकंड बॉडी एंड दिस इज योर तीन बॉडी मैंने रखी है जिसमें अलग अलग बॉडी पे अलग अलग चार्ज है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बॉडी पे मैंने कहा आपके पास है प्लस टेन कुलम चार्ज है सेकेंड बॉडी में आपके पास है माइनस फाइव कुलम चार्ज है और थर्ड बॉडी में आपके पास कुलम है प्लस वन कुलम चार्ज है तो अब ये तो आपके पास था इनिशियल चार्ज अब फाइनली मैंने कुछ ऐसा करा कि फाइनल अब जो फर्स्ट बॉडी पे जो चार्ज रह गया है सपोज दैट इज योर फाइव कुलम चार्ज एंड इन योर सेकेंड बॉडी दैट इज योर माइनस टू कुलम चार्ज तो आपको बताना है थर्ड बॉडी में फाइनल चार्ज कितना होगा तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो बहुत बहुत सिंपल है अगर आप इसमें चार्ज निकालेंगे ऑन योर थर्ड बॉडी तो आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्लिक हो चुका है कि जो भी चार्ज होगा ऑन योर थर्ड बॉडी ये होगा आपके पास थ्री कुलम चार्ज ये होगा आपके पास थ्री कुलम चार्ज योर फाइनल चार्ज अब ये आपके माइंड ने कैसे क्लिक करा कि इसमें थ्री कुलम चार्ज हो वो ऐसे क्योंकि तो आपने सिंपली इसमें लगाया है चार्जेस का कंजर्वेशन जितना चार्ज पहले इस बॉडी में था उतना ही चार्ज फाइनली अभी भी इस बॉडी पर बरकरार रहेगा देखेगा अगर मैं इसमें इनिशियल चार्जेस की बात करूं इनिशियल चार्जेस की तो इनिशियल चार्ज था इसमें फर्स्ट बॉडी में टेन कुलम कुलम का चार्ज था सेकंड बॉडी में था आपके पास माइनस फाइव कुलम और थर्ड बॉडी में था आपके पास वन कुलम तो टेन माइनस फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स कुलम चार्ज आपके पास था इनिशियल चार्ज वहीं अगर मैं बात करूं फाइनल चार्ज की तो फाइनल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट बॉडी में अब रह गया आपके पास फाइव कुलम चार्ज सेकेंड बॉडी में आपके पास रह गया है टू कुलम चार्ज आपको लाना है सिक्स कुलम तो आपने क्या एडजस्ट करें कि थर्ड बॉडी में आपके पास जो नेट चार्ज है ओवरऑल अभी भी छह कुलम रहे यानी कि इस पर जब चार्ज होगा थ्री कुलम तभी ये बनेगा आपके पास फिर से सिक्स कुलम देखिएगा फाइव माइनस टू अगेन इस योर थ्री थ्री प्लस सिक्स थ्री इज अगेन योर सिक्स कुलम तो आपने ऐसे एडजस्ट करा तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इनिशियल टोटल चार्ज इज इक्वल टू द फाइनल टोटल चार्ज तो अगर हम इसको लिखवाएं इस पॉइंट को तो ये बोलता है आपके पास इनिशियल टोटल चार्ज इज इक्वल टू इज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज ऑन अ आइसोलेटेड सिस्टम ऑन अ आइसोलेटेड सिस्टम तो इसलिए मैंने आइसोसलेटेड सिस्टम आपका क्रिएट हो इसलिए मैंने आपको बच्चों एक सर्कल सा एक लूप के अंदर मैंने इसको क्या करा है इसको क्लोज करके आपको दिखाया ताकि इस यही तीन बॉडीज हैं इस सिस्टम के अंदर ना ही चार्ज इस बॉडी से बाहर जा रहा है ना ही कोई बाहर का चार्ज इस बॉडी के अंदर आ रहा है तो जितना भी चार्ज है इस बॉडी के ही अंदर अगर घूम रहा है तो नेट चार्ज तो आपका क्या रहेगा कंजर्व रहेगा अगर ना ही कोई एंट्री ले रहा है ना ही कोई एग्जिट कर रहा है इस चार्ज इस बॉडी के इस पूरे सराउंडिंग के बाहर अगर इस सिस्टम के बाहर अगर ना ही कोई चार्ज बाहर जा रहा है ना ही कोई अंदर आ रहा है तो नेट चार्ज इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहेगा रहेगा यानी कॉन्स्टेंट रहेगा तो दिस वॉज अबाउट योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिस दी प्रॉपर्टीज अबाउट दी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ योर चार्जेस ये थी आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अबाउट योर चार्जेस तो कुछ और बेसिक बातें करें अगर हम चर्चा करें अबाउट योर चार्जेस तो देखिएगा तो अगर मैं मास की बात करूं, अगर मैं स्मॉलेस्ट चार्ज की मास की बात करूं, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इनडायरेक्टली अगर मैं क्योंकि तो हमने अब आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास स्मॉलेस्ट चार्ज है तो अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो ये आपके पास ये डाटा भी आपको याद होना चाहिए दैट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन के जी तो देखिए काफ़ी छोटा मास है तो माइनस थर्टी वन काफी 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 छोटा मास है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज समथिंग नियरली अबाउट 9.1 पॉइंट वन टेन टू दी पावर माइनस थर्टी के जी वहीं अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो ये लगभग लगभग थोड़ा सा आपके पास हैवी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन तो दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टेन टू दी पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी तो दिस इज योर मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अगर हम बात करें एक रिलेशन की तो एक रिलेशन है आपके पास एम इक्वल टू एम नॉट ऑफ़ माइनस स्क्वायर स्क्वायर ओवर ये जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है अगर कोई बॉडी ये रिलेशन ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मूविंग मास स्पीड पे डिपेंड करता है तो उसका मास जो होता है स्पीड पे डिपेंड करता है तो किसी भी बॉडी का मास स्पीड पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो इस रिलेशन से दिया गया है एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जहां पर एम नॉट ऑब्वियसली होता है आपके पास रेस्ट में, में है तो जब पार्टिकल रेस्ट में था उत, उस टाइम पे उसके पास कितना मास था दिस इज योर रेस्ट मास और एम नॉट एम इज योर मूविंग मास या जिस भी पॉइंट में आपका वो मूव कर रहा है तो इसमें है आपके पास मूविंग मास मूविंग

तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है आपके पास काफी 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 ज्यादा स्पीड होती है थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड बेसिकली ये रिलेशन ये बोलता है किसी मूविंग बॉडी का मास उसके रेस्ट मास से थोड़ा ज्यादा होता है अगर वही मास अगर स्पीड ऑफ लाइट के लगभग आसपास अगर मूव करें तो वही मूविंग मास आपका काफी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू योर रेस्ट मास दिस शोज योर दिस रिलेशन अगर मैं कह रहा हूँ अगर v आपका नियरली इक्वल टू सी हो जाए यानी पार्टिकल का मास अगर लगभग लगभग स्पीड के लाइट ऑफ स्पीड के बराबर हो जाए अगर दोनों की इस वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए इसका मतलब है जो आपके पास जो मास है मूविंग मास है वो रेस्ट मास से काफ़ी ज़्यादा आएगा फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि अगर ये लगभग लगभग बराबर हो जाए फ्रॉम दिस रिलेशन हम ये देख सकते हैं कि एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर यानी वी स्क्यर वी स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास दोनों अगर सेम है तो कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा तो वन माइनस वन इज अगेन जीरो यानी जो आपके पास मूविंग मास है दैट वुड बी नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट तो काफ़ी ज़्यादा मास हो जाएगा आपके पास तो इसलिए ये रिलेशन ये बोलता है कि हमारे पास मूविंग मास क्या होता है एज कम्पेयर टू काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर रेस्ट मास लेकिन अक्सर हमें अपने रोज़मर्रा की जिंदगी में ये महसूस नहीं होता जैसे सपोज़ आपके पास अगर कोई मूविंग चार कार है तो उसका मास तो उतना ज़्यादा टाइम्स हैवी नहीं होता ही वो इसलिए है बच्चों क्योंकि जो कार की जो स्पीड है वो काफ़ी 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 गुना कम है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट तो इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल नेग्लेजेबल फर्क पड़ता है जिसपे कि जो रेस्ट मास है वही उसका मूविंग मास रहता है फॉर एग्जांपल अगर आप इसी रिलेशन से देखें अगर आपके पास वी क्या है काफ़ी काफ़ी कम है वी सी से तो वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अगर काफ़ी कम है सी से तो लगभग लगभग ये वैल्यू नियरली इक्वल टू ये जी, आपके पास ज़ीरो के आसपास होगी के ज़ीरो के लिमिट के अप्रोच करेगी यानी ज़ीरो के अप्रोच ही ये इस वैल्यू आसपास आएगी तो अगेन वन माइनस जीरो इज़ अगेन योर वन तो इसलिए एम इक्वल टू एम नॉट हमें मिलता है उस कंडीशन में फॉर योर मूविंग कार या आज आमतौर पर अगर हम अपने ह्यूमन्स की बात करें तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा मास नहीं बढ़ता क्योंकि हम एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम हैं हमारी जो स्पीड है वो काफी कम है तो अगर मैं बात करूं फॉर योर मूविंग चार्जेस अगर मैं मूविंग चार्जेस की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है देखिएगा एम आपके पास क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू नाइन पॉइंट वन टेन टू दी पावर माइनस थर्टी वन के जी तो अगर इतना छोटा पार्टिकल है तो इस पर लगने वाला फोर्स काफी ज्यादा होगा क्योंकि हमने पढ़ा है फ्रॉम द न्यूटन लॉ एफ इक्वल टू मासन हमने है मास एन टू अगर हम यहां से एक्सेलोरेशन निकालें तो एक्सोलेशन इक्वल टू फोर्स अपऑन मास अगर सपोज हमने कहा आपके पास एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है अगर आप इसको हल्का सा भी अगर इसको जर कर देंगे यानी हल्का सा भी अगर इसको इसको धके लेंगे अगर आपने सपोज मैंने कहा इसको आपने हल्का सा वन न्यूटन इसमें फोर्स अप्लाई किया तो वन न्यूटन फोर्स अप्लाई करने में ही इसका एक्सोलेशन इतना ज्यादा होगा कि वो लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाएगा देखिएगा अगर आप इसी रिलेशन को देखिएगा अगर मैं फोर्स कहूं कि अगर मैं एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ अपॉन एम के रिलेशन में रखूं यहाँ पे तो फोर्स हो जाएगा आपके पास वन न्यूटन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी आपको पता है नाइन पॉइंट वन टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन के जी तो ये देखिएगा ये आपकी क्वान्टी सच्चा ह्यूज क्वांटिटी बन जाएगी यानी अगर ये ऊपर चलेगा तो टैन टू द पावर थर्टी वन अपन नाइन पॉइंट वन तो ट्वेंटी थ्री पावर थर्टी वन ये समथिंग वेरी ह्यूज क्वान्टिटी नहीं इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन को हल्के से एक न्यूटन फोर्स इसको इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा आपके पास क्या देगा इसको एक्सोरेट करेगा एक्सोलेट मतलब इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी इसके पास आएगी अगर एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा होगी तो जिसका मतलब है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड रहती है तो इसको हम नॉर्मल क्लासिकल जो हम कहते हैं मैकेनिक्स से ये इनके कुछ लॉस थोड़े डिफरेंट रहते हैं नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है जो आपने क्लास एलेवंथ में एंटायर मैकेनिक्स पढ़ी है आपने पुलिस सिस्टम में आपके पास फ्रिक्शन पढ़ा आपने उसमें जो भी आपने बॉडीज पढ़ी हैं तो उनसे थोड़े से डिफर जाते हैं थोड़े से अलग उसमें जाते हैं इसको हम फर्दर बाद में पढ़ते हैं आपको ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स तो वो सिनेरियो अभी अलग है तो मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ से कि मेन मुद्दा ये था कि आपके पास मास तो वेरी करता है ऑन मूविंग मास आपका मूव ऑन मूविंग आपका वेरी करता है आपके पास मूविंग मास चार्ज बॉडी का आपके पास मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉडी एट रेस्ट जबकि अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस आपके पास कॉन्स्टेंट रहता है चार्ज आपके पास कॉन्स्टेंट रहता है एदर दर बॉडी इज मूविंग और इट इज़ नॉट मूविंग तो चार्ज नहीं बदलता है ऑन मूविंग तो हम इसमें यहाँ से ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द पार्टिकल बट द चार्ज डजेंट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल तो मास तो डिपेंड करता है ऑन दी स्पीड बट चार्ज टू तो नॉट डिपेंड अपॉन दी स्पीड ऑफ दी पार्टिकल। को सिंपली लिखें, तो हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ पार्टिकल मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ पार्टिकल बट चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड बट चार्ज जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रिलेशन ऑफ योर दिस फॉर्मुला इस फॉर्मुले का सिग्निफिकेंस क्या है तो इतना काफी ज्यादा हाई सिग्निफिकेंस है तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसके बाद हम इसमें देखते हैं आपके पास कुलम्स लॉ जो कि इस एंटायर चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है तो जिसके बिना आपके पास पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है अधूरी है तो दैट इज योर लॉ का लॉ कुलम्स लॉ कुल्स लॉ की तरफ तो कुलम्स लॉ जैसा कि एक लॉ है तो अटल सत्य है हर जगह ये वैलिड रहेगा एक लॉ है और लॉ बनता है आपके पास हाईली एक्स्परिमेंट से एक्सपेरिमेंट्स के बाद ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि उसके अनुसार जो हमने निष्कर्ष निकला बाय योर साइंटिस्ट जो उन्होंने देखा तो उसी को हम इन्होंने एक टर्म देते हैं एक लॉ की एक, एक धारणा देते हैं जो कि क्या रहते हैं आपके पास अटल सत्य रहते हैं जैसा एज ए इज ये लॉ है आपको भी ये एज ए इज ए लॉ रट जाना चाहिए तो अगर हम लॉ की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला कुलम साहब ने ये बोला जो कि आपके पास दो अगर चार्जेस हैं तो दो अगर आपके पास चार्जेस हैं मैंने आपको बताया अगर आपके पास सपोज कैसे भी चार्जेस हैं सपोज मैंने कहा पॉजिटिव है चाहे आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो अगर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें उन दोनों में होगा रिपल्शन अगर डिसलाइक चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली होगा उनमें अट्रैक्शन तो एक दूसरे पर क्या करते हैं वो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे क्या लगाते हैं फोर्स लगा रहे हैं सपोज अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक चार्ज को पकड़ा और दूसरे चार्ज को हमने छोड़ा सपोज एक चार्ज को हमने पकड़ा अगर दूसरा चार्ज आपके पास फ्री है अगर दूसरा पॉजिटिव चार्ज फ्री है तो ये क्या करेगा ये दिए वाला चार्ज दूर भागेगा तो दूर क्यों भागा क्योंकि इसने एक इमेजनरी सरफेस क्रिएट करा जो कि सरफेस ने क्या करा इस पर फोर्स लगाया और जिसके कारण ये दूर भागा और उस इमेजिनरी सरफेस को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हालांकि हम इसको डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको वट इस इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए ये आपको बताया कि बिना टच करे इस चार्ज ने इसको बिना टच करे कुछ तो ऐसा करा कि इसको अपने आपस से इसको अपने पास नहीं आने दिया यानी इसको दूर से ही भगा दिया यानी ये अपने आसपास कुछ तो ऐसी फील्ड जनरेट कर रहा है यानी इसका आ, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो ऐसा है इसके आसपास के इस रीजन में इसके सराउंड में इस, यानी इसके इलाके में और इलाकों तो कुत्तों का होता है अरे यहाँ पे चार्जेस का भी इलाका होता है यार तो चार्जेस का इलाका है तो जैसे ही ये एंट्री लेगा इसके रीजन में तो क्या करेगा या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा अगर सेम चार्जेस हैं तो ये इसको करेगा रिपल अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो ये इसको करेगा अट्रैक्ट तो भाई साहब इसने कहा कि भाई तू निकल ले तो दूर से निकल ले

तो इन्होंने ये बोला जो आपके पास कोलम फोर्स है एफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर ईच चार्जेस यानी Q1 वन इंटू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स चाहे आप Q1 का मैग्नीट्यूड बढ़ाएं तब भी फोर्स बढ़ेगा चाहे आप Q2 का मैग्नीट्यूड बढ़ाएं तब भी फोर्स बढ़ेगा तो हम इसको सिंपली लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 टू दिस वॉस योर फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंडली इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर हम जितना ज्यादा सेपरेशन करें जो इनके बीच का सेपरेशन है जितना ज्यादा इन दोनों पे सेपरेशन होगा उतना कम आपके पास कोलम्स फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस पे तो यानी कि एफ इन्होंने बोला इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस तो जितना ज्यादा सपरेशन होगा तो उतना कम क्या लगेगा इनमें आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स या हम कह सकते हैं आपके पास कुलम्स फोर्स या जितना पास आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या लगेगा फोर्स लगेगा दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी दिखेगा तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो इट वुड भी इक्वल टू एफ इज डाइली पोर्शन टू क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो जिसके लिए यहां पे इसके लिए हमें अगर इसको हटाना है तो हमें कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा दैट इज योर के तो एफ इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो दिस इज योर कुलम्स फोर्स यानी हम इसको कह सकते हैं आपका दूसरा इलेक्ट्रोस्टेटिक्स फोर्स तो दूसरी बात जो ये के है इसकी भी एक आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू होती है के इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाई एपसाइल नॉट दिस इज योर अगेन योर कॉन्स्टेंट जहां पे इसको हम बोलते हैं ये जो फैक्टर है आपके पास ई नॉट इसको हम बोलते हैं एपसाइलन नॉट और इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो इसको हम बोलते हैं एपसाइलन नॉट को परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और जिसकी वैल्यू होती है लगभग लगभग आपके पास एप्साइल नॉट की वैल्यू होती है आपके पास एट पॉइंट एट फाइव टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व सॉरी माइनस ट्वेल्व तो अगर हम इसकी यूनिट की बात तो अगर आप यहाँ से यूनिट निकाल लें वन पॉइंट फोर फाइव तो ये हो जाएगी यहाँ से आपके पास कोलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस इज द यूनिट ऑफ एपसाइल सॉरी वैल्यू ऑफ एपसेल नॉट तो अभी आएंगे इस पर डिस्कशन करेंगे हम एप्सल नॉट पे क्या चीज है कैसे निकल के आई है कहाँ से ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है तो फिलहाल कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं अबाउट दिस कुलम्स फोर्स तो इस कुलम फोर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की पहले बात कर लेते हैं तो पहले बात करते हैं हम इससे पहली प्रॉपर्टी की, की तो दिस इज योर लॉन्ग रेंज फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स से मतलब ये है बच्चों जैसे आपके पास पता है जैसे आपको ये पता है कि जैसे आपके पास दो तरीके के फोर्सेस होते हैं एक तो होते हैं आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स दूसरे होते हैं आपके पास शॉर्ट रेंज फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स की अगर मैं पहले बात करूँ तो शॉर्ट रेंज फोर्स जैसे आपको पता है कि जैसे आपके पास अगर कोई न्यूक्लियस है सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस अगर इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों में लगने वाला फोर्स तो इन दोनों के बीच में आपको ये पता है कि जो डिस्टेंस होती है काफ़ी कम होती है जो रेडियस होती है रेडियस ऑफ आपका पास एटम क्या रहता है काफी कम रहता है तो इन दोनों पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है इसी को हम बोलते हैं बच्चों शॉर्ट रेंज फोर्स सिमिलरली अगर मैं प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स की बात करूं एक न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स भी हैं न्यूट्रॉन्स भी हैं तो एक न्यूक्लियस के अंदर आपके पास कई सारे प्रोटॉन्स भरे रहते हैं आपके पास क्या है प्रोटॉन्स हैं प्रोटॉन्स आपके पास कई सारे प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स भरे हुए हैं आपके न्यूक्लियस के इनसाइड यानी पॉजिटिव चार्ज के तो ये सब एक दूसरे में कैसे कंबाइंड हो जा रहे हैं हालांकि सबके सब, सब पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे में फिर भी ये क्या है एक दूसरे पे कंबाइंड है तो ये इसलिए कंबाइंड है क्योंकि इनमें एक शॉर्ट रेंज फोर्स लग रहा है जबकि हमारा कुलम्स लॉ जो है दैट इज नॉट योर शॉर्ट रेंज फोर्स इसको हम बोलते हैं बच्चों आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स यानी लॉन्ग दूरी पे लंबी दूरी पे भी ये आपका फोर्स काम करता है यानी एक्ट कर सकता है नॉर्मल दूरी आपकी कितनी भी हो सकती है नॉर्मल दूरी अगर आपके पास वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर सबके यहाँ आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं तो पहली प्रॉपर्टी है दिस इज योर लॉन्ग रेंज फोर्स तो वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे सिंपली कहा कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं सपोज दिस इज योर क्यू वन चार्ज एंड दिस इज योर क्यू टू चार्ज तो ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं दैट इज़ योर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यानी कुलम्स फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई कर, कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सपोज अगर मैंने कहा दिस इज योर फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज योर सेकंड चार्ज तो ये अगर फर्स्ट वाला सेकंड पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट कुलम्स फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट दिस इज योर एफ वन अगर मैंने कहा कि ये Q2 भी तो Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड इज दिस इन दिस डायरेक्शन तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के मैग्नीट्यूड की तो ये मैग्नीट्यूड वाइज F12 और F21 सेम रहते हैं ये मैग्नीट्यूड वाइज एफ वन टू और एफ टू वन सेम रहते हैं और ये भी एक्सपेरिमेंटली ही देखा गया उसके बाद फिर ये कंक्लूजन निकाला गया तो कैसे पता लगाया गया होगा देखेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करें इस वाले चार्ज को अगर हम होल्ड कर दें अगर सपोज हम क्यू वन को होल्ड कर लें तो क्यू टू पर क्या लगेगा रिपल्शन लगेगा आपके पास रिपल होगा रिपल होगा तो ये क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा यानी इससे दूर भागेगा अगर दूर भागेगा तो इसका मतलब है इसमें आया एक्सेलरेशन अरे फोर्स है तो एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन हमने नोट कर लिया सपोज इसका एक्सेलरेशन था आपके पास एक्स तो अगर हमने इसको होल्ड करा तो ये भागा और इसमें हमने क्या करा इसका एक्सेलरेशन आपका नोट कर लिया सिमिलरली अब हमने सेकंड सिनेरियो में क्या करा हमने इस बार हमने इसको पकड़ लिया Q2 को पकड़ लिया और Q1 को फ्री कर दिया तो Q2 को पकड़ा Q1 को फ्री करा तो ये इधर को भागा सपोज इस टाइम में हमने कहा कि इसका जो एक्सेलरेशन देखा गया तो ये भी आया आपके पास एक्स तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन मिला तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि दोनों का एक्सोलेशन क्या था आपके पास सेम है तो एक्सोलेशन सेम तभी हो सकता है जब दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या हो सेम हो जब दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या हो बच्चों सेम हो तो ये कहा गया कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑन टू टू ड्यू टू वन तो मैग्नीट्यूड वाइज ये एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं अपोजिट क्यों कह रहा हूं क्योंकि ये आपके पास डायरेक्शन इधर को है और उसकी डायरेक्शन इधर को है सिमिलरली अगर मैं अपोजिट नेचर की अगर मैं सेम नेचर की बात करूँ अगर आपके पास सपोज हमने कहा सपोज दिस इज योर क्यू वन नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज योर क्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो इस बार भी क्या होगा ये इसको इधर को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको इधर को अट्रैक्ट करेगा तो अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेखें तो अभी भी तो ये अपोजिट ही है ये जा रहा है टूवर्ड्स राइट टू सॉवर्ड्स तो लेफ्ट टू राइट इस पर फोर्स लग रहा है और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर टूवर्स राइट टू लेफ्ट तो अभी तो भी तो ये तो दोनों अपोजिट फोर्सेज हैं और ऐसा कब होता है ऐसा तब होता है जब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ में ही ये वैलिडिटी होती है कि अगर कोई दो फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो हम और डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इसको बोलते हैं बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर तो एक्शन रिएक्शन पेयर को हम इसको सिंपली कह सकते हैं इसको विथ योर नेगेटिव साइन हम इसको डिनोट कर सकते हैं नेगेटिव शोज की डायरेक्शन इज अपोजिट तो दीज टू चार्जेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स एक्शन रिएक्शन पेयर भी इसलिए हैं क्योंकि देखिएगा फोर्स आपके पास सेम चार्ज पे नहीं लग रहे हैं दोनों फोर्स आपके पास सेम चार्ज पे नहीं लग रहे हैं एफ़ टू वन लग रहा है आपके पास क्यू टू चार्ज पे और एफ वन टू आपका लग रहा है क्यू वन चार्ज पे और एक्शन रिएक्शन पेयर में भी न्यूटन थर्ड लॉ में जो आपके पास एक्शन रिएक्शन पेयर होता है उसमें भी दोनों फोर्सेस आपके सेम बॉडीज पे नहीं लगते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज सिमिलरली यहां पे टू डिफरेंट चार्जेस पे आपका फोर्स लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ दीज आर दी पेयर्स ऑफ योर एक्शन रिएक्शन तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज योर एक्शन रिएक्शन पेयर्स तो दिस आर एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कुलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो हम थर्ड आपकी यही थर्ड प्रॉपर्टीज है हम आप आपको मैं अगर यहाँ पे लिखाऊं तो देखिएगा बच्चों तो दिस फॉलोज दिस लॉ फॉलोज दिस लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन का थर्ड नेम कि ये पालना करते हैं चलते हैं आपके पास अब अगली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड दैट इज योर तो दीज फोर्सेस योर सेंट्रल फोर्स ये आपके पास सेंट्रल फोर्सेस होते हैं सेंट्रल फोर्सेस तो व्हाट डू वी मीन बाय सेंट्रल फोर्सेस देखिएगा सपोज अगर हमने कहा कि आपके पास सपोज दिस आर आपके पास दो चार्जेस हैं आपके पास सपोज दिस इज योर क्यू चार्ज एंड दिस इज योर अगेन योर अनदर क्यू टू चार्ज क्यू वन चार्ज है ये क्यू टू चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे ये इसको रिपेल करेगा इधर को और ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर को ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर को इसको हमने बोल देंगे एफ ऑन वन ड्यू टू टू और इसको हम बोलेंगे देंगे एफ ऑन टू ड्यू टू वन तो रिपल्शन आपने देखा इसका इधर को हुआ इसका इधर को हुआ क्या ये अगर मैं सेम सिनेरियो लूँ क्या ये रिपल्शन ऐसे भी तो कर सकते थे सपोज मैंने कहा क्यू वन क्यू टू क्यू वन को रिपेल कर रहा है अपवर्ड और क्यू वन क्यू टू को रिपेल कर रहा है इन योर डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे भी तो रिपल्शन पॉसिबल था यानी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड भी तो पॉसिबल थी क्या आप इस वाली सिचुएशन को सही मानेंगे क्या आप इस सिचुएशन को सही मानेंगे या इस वाले को सही मानेंगे या आप दोनों को सही मानेंगे आप एक्चुअल में किसको सही मानेंगे तो अगर आप लॉजिकली सोचें तो सेकेंड वाली सिचुएशन आपकी सही आपकी गलत है जबकि फर्स्ट वाली सिचुएशन आपकी ऑलरेडी सही है तो फोर्स तो आपका लगना है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी भी तो बहुत जरूरी है कि आखिर ये फोर्स कहाँ को लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा तो इसलिए इनको बोला गया सेंट्रल फोर्स तो हमेशा जो फोर्स लगता है दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ देयर सेंटर्स अगर आप इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करें इन दोनों चार्जेस के सेंटर को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसी के इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही आपके पास फोर्स लगेगा या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या तो हो सकता है अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ यही आपके पास पॉसिबल डायरेक्शन है फोर्स इस आपके पास अप्लाइड की यानी जो फोर्स लगेंगे वो सिर्फ इसी डायरेक्शन के अलोंग इसी एक्सेस के अलोंग ही मिलेगा ना कि परपेंडिकुलर या कोई दूसरी डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास फोर्स नहीं लगेंगे तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस तो दो फोर्सेस विच एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस तो हम कहेंगे इसको हम बोलेंगे ऑलवेज एक्ट्स एलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है बच्चों दीज आर योर कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको ऑलरेडी आपने क्लास ट्वेल्थ में आपने पढ़े होंगे ऐसे फोर्सेस जो कि वह आपके पास पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी जिसका वर्क डन इन योर क्लोज पाथ क्या रहता है आपके पास जीरो कंजर्वेटिव फोर्स तो सेम उसी की तरह है आपके पास कुलम्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके पास क्या होता था सेम सेंट्रल फोर्स होता था अलोंग दी लाइन जॉइनिंग ही लगता था आपके पास सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता था वहां पे हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशन फोर्स होता था आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मासस ऑफ योर बॉडी यहाँ पे हमने सिंपली पढ़ना कि कुलम्स लॉ आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस तो मास को आप रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली चार्जेस से सिमिलरली इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि अगर आपके पास फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डू डिस्टेंस का स्क्वायर के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो हम उसको बोलते हैं इवर्स स्क्वायर लॉ एंड अगेन वो भी आपके पास एक्शन रिएक्शन पेयर होते थे जी हाँ वो भी आपके पास एक्शन रिएक्शन पेयर होते थे सिमिलरली इज विथ योर कंजर्वेटिव फोर्स वो भी कंजर्वेटिव और ये भी कंजर्वेटिव फोर्स दिस वर बेसिक प्रॉपर्टीज अबाउट योर कोलम्स लॉ चलते हैं आपके पास अब अगली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड दट इज यीज फोर्सेस योर सेंट्रल फोर्स ये आपके पास सेंट्रल फोर्सेस होते हैं सेंट्रल फोर्सेस तो वट डू वी मीन बाय सेंट्रल फोर्सेस देखिएगा सपोज अगर हमने कहा कि आपके पास सपोज दिस आर आपके पास दो चार्जेस हैं आपके पास सपोज दिस इज योर क्यू चार्ज एंड दिस इज योर अगेन योर अनदर क्यू टू चार्ज क्यू वन चार्ज है ये क्यू टू चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे ये इसको रिपेल करेगा इधर को और ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर को ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर को इसको हमने बोल देंगे एफ ऑन वन ड्यू टू टू और इसको हम बोलेंगे देंगे एफ ऑन टू ड्यू टू वन तो रिपल्शन आपने देखा इसका इधर को हुआ इसका इधर को हुआ क्या ये अगर मैं सेम सिनेरियो लूँ क्या ये रिपल्शन ऐसे भी तो कर सकते थे सपोज मैंने कहा Q1 Q2 Q1 को रिपल कर रहा है अपवर्ड और Q1 Q2 को रिपल कर रहा है इन योर डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे भी तो रिपल्शन पॉसिबल था यानी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड भी तो पॉसिबल थी क्या आप इस वाली सिचुएशन को सही मानेंगे क्या आप इस सिचुएशन को सही मानेंगे या इस वाले को सही मानेंगे या आप दोनों को सही मानेंगे आप एक्चुअल में किसको सही मानेंगे तो अगर आप लॉजिकली सोचें तो सेकेंड वाली सिचुएशन आपकी सही आपकी गलत है जबकि फर्स्ट वाली सिचुएशन आपकी ऑलरेडी सही है तो फोर्स तो आपका लगना है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी भी तो बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये फोर्स कहाँ को लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा तो इसलिए इनको बोला गया सेंट्रल फोर्स तो हमेशा जो फोर्स लगता है दैट इज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ देयर सेंटर्स अगर आप इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करें इन दोनों चार्जेस के सेंटर को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसी के इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही आपके पास फोर्स लगेगा या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या तो हो सकता है अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ यही आपके पास पॉसिबल डायरेक्शन है फोर्स इस आपके पास अप्लाइड की यानी जो फोर्स लगेंगे वो सिर्फ इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग इसी एक्सेस के अलॉन्ग ही मिलेगा ना कि परपेंडिकुलर या कोई दूसरी डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास फोर्स नहीं लगेंगे तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस तो जो दो फोर्सेस विच एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस तो हम कहेंगे इसको हम बोलेंगे ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है बच्चों दीज आर योर कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको ऑलरेडी आपने क्लास ट्वेल्थ में आपने पढ़े होंगे ऐसे फोर्सेस जो कि वह आपके पास पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी जिसका वर्क डन इन योर क्लोज पाथ क्या रहता है आपके पास जीरो रहता है तो दीज आर योर कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज अगेन योर ग्रेविटे आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स तो सेम उसी की तरह है आपके पास कुलम स्लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके पास क्या होता था सेम सेंट्रल फोर्स होता था अलॉन्ग दी लाइन जॉइनिंग ही लगता था आपके पास सिमिलरली इनवर्सली पोर्शन टू आर स्क्वायर होता था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशन फोर्स होता था आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेज ऑफ योर बॉडी यहाँ पे हमने सिंपली पढ़ना कि कुलम स्लॉ आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस

टू दी पावर माइनस ट्वेल्व अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के अगर आप यूनिट निकालें तो यूनिट आप निकाल सकते हैं स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर तो अगर आप सॉरी कुलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो दिस इज द यूनिट ऑफ योर एप्सिलॉन नॉट जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अब अपने हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में आपका हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में कैसे हम इसको डरा क्या चीज़ है आखिर एप्सिलॉन नॉट क्या इसका यूज है इन दिस फॉर्मूला एप्सलन नॉट का ही हम यूज करते हैं हां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इज दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यह फॉर्मूला तब वैलिड है कि जब आपके दो चार्जेस फ्री स्पेस में या कि वैक्यूम में रखे गए हैं आपके पास दो चार्जेस या तो आपके पास फ्री स्पेस में कह सकते हैं या आप कह सकते हैं इसको वैक्यूम में रखे हैं तब आपके लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है एप्सलन नॉट वहीं अगर सपोज मीडियम अगर डिफरेंट हो जाए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पानी में रख दिए या रेत पे रख दिए तो उस टाइम पे इन दोनों के चार्जेस पे लगने वाला फोर्स अफेक्ट करता है मीडियम तो उस केस में हम हम इसको एप्सिलॉन 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 नॉट ना लिख के एम एम लिखते है एम हम हैं हैं को डिनोट करते परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इन विच मीडियम दी चार्जेस आर प्लेस्ड तो इसका काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है यानी बड़ी बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है इन योर कूलम्स लॉ तो इसको हम देखेंगे ऑन योर नेक्स्ट लेक्चर इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी परमिटिविटी इन मीडियम जो भी आपके पास मीडियम है और हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग रहती है तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कुलम्स फोर्स तो अब मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर पे अगले लेक्चर में हम इसमें देखेंगे बच्चों आपका पहली चीज़ जो है आपके पास हम लिखेंगे परमिटिविटी के बारे में जानेंगे और सेकेंड हम इसमें पढ़ेंगे वैक्टर फॉर्म ऑफ योर कुलम्स लॉ और फिर उसमें हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अबाउट योर कुलम्स लॉ कैसे हम इसमें न्यूमेरिकल्स में इसका हम सब यूज़ करते हैं